एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को कड़ी सुरक्षा मिली हुई है, तो वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। योगी सरकार ने मायावती को मिलने वाली एनएसजी सुरक्षा की क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम को वापस बुला लिया है। अब मायावती की सुरक्षा में सिर्फ मोबाइल सुरक्षा ही तैनात है। दरअसल मायावती को एनएसजी की सुरक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट रिपोर्ट के आधार पर मिली हुई थी, लेकिन अब क्यूआरटी सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब इसे कुर्सी की पावर कहें या फिर कुछ और। एक वक्त था जब मायावती सबसे कड़ी सुरक्षा में चलती थी और अब वो सिर्फ मोबाइल सुरक्षा में रहेंगी। वैसे आपको बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती ने एक बार फिर से अपनी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। हाल ही में मेरठ के एक रैली में उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे को प्रोजेक्ट किया है। पहले भाई और अब भतीजे को राजनीति में एंट्री दिलाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि मायावती ने अपना सियासी वारिस तलाश लिया है। फिलहाल सूबे में योगी की सरकार बनने से तमाम सियासी दिग्गज चित पड़े हुए हैं। एक वक्त था जब सुरक्षा कर्मी अपने रुमाल से मायावती के जूतों पर लगी धूल को साफ करते थे और अब सत्ता से हटने के बाद सुरक्षा में कटौती हो गई है। इस स्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।